हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइमिंग वर्ड एंड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साउंड हुआ आज राइमिंग वर्ड लिखा वैन। शाम गुरुवार की शाम से मैं शुक्रवार की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये मैं हार्दिक को पढ़ा रही हूँ। मेरा शाम में कोई रूटीन रहता है हार्दिक को पढ़ाना लिखाना, उसको स्कूल में जो कुछ भी होमवर्क मिलता है उसको रिपीट करवाना, या स्कूल में जो पढ़ाते हैं फैन को मैं रिवीजन कराती हूँ उसको। तो अगर आप स्कूल में पढ़ाए जो चैप्टर, आप अगर घर में बच्चों को शाम में या रात में उसका एक बार उसको पढ़ा दो, एक बार रिवीजन कर दो, तो बच्चों को बहुत ही इजीली वो मतलब वो चैप्टर वो जो कुछ भी पढ़ा है वो बहुत ही आसानी से याद रहता है। तो मैं वही मेथड से हार्दिक को पढ़ाती हूँ और हार्दिक को हाँ बहुत ही अच्छे से वो याद भी आ जाता है। और हाँ, अभी मैं हार्दिक को हमारे असमीज के जो लेटर्स होते हैं वो उसको सिखा रही हूँ। वैसे हार्दिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टार्टिंग में जो रीजनल लैंग्वेज है वो नहीं सिखाते हैं, इसलिए रीजनल लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है जो मदर टंग है ना, तो मैं उसको सिखाती हूँ। वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिखाते हैं जो, लेकिन प्राइमरी जो क्लासेस रहते हैं ना उनमें रीजनल लैंग्वेज पहले नहीं सिखाते, मदर टंग पहले नहीं सिखाते। और बाकी स्टेट में कैसा है पता नहीं, बट आसाम में आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालो तो पहले उसको अंग्रेजी ही सिखाते। और जैसे कि हमने असमीज मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो जो मदर टंग वाले स्कूल से पढ़ाई स्टार्ट की थी सरकारी स्कूल से, तो वहाँ पे मदर टंग ही पहले सिखाते हैं। लेकिन अंग्रेजी स्कूल्स में मदर टंग को एक या दो साल बाद मतलब नर्सरी या केजी या वन से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वैसे पढ़ाना चाहिए स्टार्टिंग से भी, कोई बुरी बात नहीं है, हमने भी पढ़े हैं। और जितनी दुनिया की आप जितनी भी भाषाएं सीख लो, लेकिन मदर टंग नहीं सीखो तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, आपकी एडुकेशन कंप्लीट नहीं होती। वो ज़रूरी है आपकी मदर टंग, है ना। तो मैं हार्दिक को अभी से उसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। हार्दिक को अभी स्कूल में मदर टंग नहीं सिखाया है, मैं ही उसको सिखा रही हूँ। और वो एडॉप्ट भी कर लेता है बहुत अच्छे से और उसको याद भी रहता है। और हार्दिक अभी मतलब पेंसिल पकड़ना अच्छे से सीख गया है। पहले बहुत शेक करता था, हाथ बहुत शेक होता था, हर बच्चे का होता होगा, लेकिन अभी शेक नहीं करता उसको, मतलब हैंडराइटिंग में जो कंट्रोल है वो कंट्रोल उसको आ गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। फिर मैंने रात को कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, पता नहीं कल रात को मुझे इतनी सभी मतलब बॉडी में कैसा फील हो रहा था पता ही नहीं, मतलब इतनी थकान, इतनी वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर सुबह में भी टाइम नहीं मिला। अभी शुक्रवार का दिन है आज, तो शुक्रवार मैं स्कूल से आके फिर काम स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे सोने का मन था बहुत, बट ब्लॉगिंग कौन करेगा अगर मैं ही सो जाऊँगी ना, तो वैसे ही मैं एक दिन छुट्टी लेती हूँ वीक में, मतलब संडे को, तो संडे को ही छुट्टी लूँगी। अभी जितना भी व्यूज़ हो जो भी हो, हर रोज़ वीडियो जाता है और जाएगा भी। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का ब्लॉग तो मुझे डालना ही है ना, 7 या 5 बजे डाल दूँगी जब भी रेडी हो, मतलब शाम में जब भी रेडी हो 7 बजे 8 बजे 9 बजे 5 बजे मैं फटाफट फटाफट से डाल देती हूँ। और यहाँ पे डस्क वगैरह बहुत है ना, तो बिना मतलब ये सब झाड़ू पोछा के साफ नहीं रहता है। तो हार्दिक अभी सो गया है, मैंने लंच का भी कुछ नहीं दिखाया। लंच में आज दाल बना था, हाँ परवल आलू की सब्जी, एग ऑमलेट, एग बॉयल और नींबू मिर्च वगैरह तो रहता ही, वो खा लिया था। फिर खाने के बाद हार्दिक को सुला दिया था। और एक बात, हार्दिक का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से स्कूल में अनाउंस किया है कि आज से समर वेकेशन स्टार्ट है। और अच्छी बात है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो समर वेकेशन इस टाइम
होता ही होता है जुलाई में, बट एक तारीख से था उन लोगों का जो सिलेबस के हिसाब से एक तारीख से था। बट जैसे कि पता है आसाम में अभी बाढ़ की हालत ख़राब है और थोड़ी सी सूख रही है, लेकिन सूखने के बाद तो हालत और भी ख़राब हो जाती है। लोगों के पास रहने के लिए घर वगैरह सब कुछ, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि कुछ टाइम, कुछ मतलब 1 वीक पहले ही स्कूल को ऑफ दे देते हैं, समर वेकेशन दे देते हैं। तो सरकारी स्कूल के रूल्स के हिसाब से हार्दिक का जो प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश मीडियम, वो लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और अब आज से ही मतलब 25 है ना, आज 24 शायद, हाँ पता नहीं 25, आज से स्कूल 24 आज से स्कूल उन लोगों का ऑफ दे दिया। आज गया था फिर बंद है, फिर मंडे से हार्दिक का रिजल्ट आएगा, जो एग्ज़ाम होता है ना उसका रिजल्ट, फिर मंडे को बुलाया है एग्ज़ाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा उसको लाने के लिए। हाँ बाकी तो अभी समर वेकेशन चलेगा, मैंने कुछ प्लानिंग करके रखी है समर वेकेशन में, उसको बताया आप लोगों को कि उसको कराटे कोर्सेस में ज्वाइन करवाना है, तो मैं उसको इसी समर वेकेशन में उस वहाँ पर ज्वाइन करवाऊँगी। और होप कि सब अच्छा जाएगा, वो सीख भी लेगा आसानी से, उसको पसंद भी है ये सब। हाँ तो चलिए मैं फटाफट फटाफट से बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, फिर अभी मतलब इतना फटाफट फटाफट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कूल अगर रहता है ना तभी फटाफट फटाफट करने का वो रहता है। लेकिन अभी जैसे स्कूल वगैरह बंद ही हो गए हैं, समर वेकेशन है, तो थोड़ा धीरे धीरे करूँगी तब भी चलेगा। हार्दिक यहाँ पे सोया हुआ है, मैं सोफे वगैरह को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे कुछ टाइम के लिए ये सब ऑर्गेनाइज रहता है, हार्दिक उठने के बाद बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का घर है ऐसा तो होगा ही होगा ना। अभी कितने बजे हैं, अभी 4 बजे हैं, अगर मैं फटाफट से ये सब कर लूँगी तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि फटाफट करना ही है, बट मुझे थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए ना, तो कर लेते हैं। और बताइएगा आप लोगों के घर में कपड़े वगैरह ज़्यादा निकलते हैं कि नहीं? मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, इधर जाओ कपड़े, उधर जाओ कपड़े, तो कपड़े कपड़े निकलते हैं। ये देखिए हार्दिक सो रहा है, सारे पिलोज को अपने वो साइड में वॉल बना के वो सो रहा है। और अभी क्या है ना, इतनी गर्मियाँ हो रही है, ये देखिए हार्दिक सो गया है, उसको पैरों में भी पिलो चाहिए, साइड में भी पिलो, इधर उधर मतलब सारों उसको पिलो, चारों ओर उसको पिलो चाहिए। पिलो से उसको वॉल बनाना है, मम्मी बोलती है कि मम्मी मुझे आप पिलो से वॉल बना के दो। और ये देखिए फ्लोर में जू बना के खेल रहा था, ये जू सारे एनिमल्स, मुझे बोल रहा था सोने से पहले कि मम्मी अब उसको मत हटाना, बट अभी तो मुझे झाड़ू लगाना, इसको तो हटाना पड़ेगा ही, तो मैं इसको हटा ही दे रही हूँ, फिर सोने के बाद मैं ही उसको, अब उठने के बाद मैं ही उसको बना के दूँगी एक जू। वैसे उसको एनिमल्स वगैरह में बहुत ही इंटरेस्ट है, कुछ मतलब जिस चीज़ के साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाता है, जिसमें उसको मन लगता है, वो एनिमल्स ही है, मतलब जो टॉय एनिमल्स वगैरह है उसमें उसको मन लगता है, जंगल एनिमल्स उस थीम की चीज़ें उसको पसंद है। तो मैं फटाफट फटाफट से हार्दिक का ये सब समेट रही हूँ, क्योंकि झाड़ू तो लगाना ही लगाना है। एक बार मॉर्निंग में लगाई थी एक बार झाड़ू, फिर अभी लगा के दे रही हूँ। फिर मेरा काम धाम थोड़ा हो गया, कल हबी लाए थे पाइनएप्पल, और मुझे जो फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है वो है पाइनएप्पल, तो थोड़ा पाइनएप्पल खा लेते हैं। कल ही लाए थे, अभी कल शाम रात में कट हुआ था, रात में मतलब हबी 9 बजे आए थे, तभी मैंने उनके लिए काट के रखा था। परसों ही लाए थे, बोला कि तुम काट के रख देना, मैं आके खाऊंगी। तो कल वो 9 बजे आए थे रात में, तो काट के रख दिया था। तो मैं अपने बताई थी कल शाम को अच्छा नहीं लग रहा था, तो कल अच्छे से खा ही नहीं पाई थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा रख दिया था फ्रिज में,
तो अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ। मुझे पाइनएप्पल बहुत ही पसंद है और ये बहुत स्वीट भी है, बहुत अच्छे ज़्यादा मीठा है। वो खा के तो एकदम मज़ा ही आ गया। वैसे हार्दिक नहीं खाता है और हबी को भी पाइनएप्पल बहुत पसंद है। अभी थोड़ा सा काम करके मतलब ये बोलते हैं ना, भरे हुए पेट में आपको फ्रूट्स खाना है, तो मेरा पेट मैंने लंच किया हुआ था, लंच करने के 1 घंटे बाद में फ्रूट्स खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है था और मज़ा आया खा के। और अभी जैसे कि हार्दिक पढ़ेगा नहीं, आज के दिन उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आज का उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, आज अभी नहीं पढ़ाऊँगी। लेकिन ये नहीं है कि पूरे मंथ में नहीं पढ़ाऊँगी, पढ़ाऊँगी। आज के लिए उसको नहीं पढ़ाऊँगी, तो सारे बुक्स वगैरह जो बाहर निकल रहते हैं ना, तो मैं उसको अंदर रख रही हूँ। हाँ, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, उसके बैग वगैरह बाहर ही रहते हैं। तो होप कि गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।